दोस्तों, यह है भारत के 10 सबसे खतरनाक रास्ते, जिन पर चलना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। एडवेंचर के शौकीन अक्सर रोड ट्रिप पर निकलते हैं और भारत में ऐसी कई सड़कें हैं जिन पर चलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। इन सड़कों पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी रोड ट्रिप के शौकीन लोग इन रास्तों पर चलने से बाज नहीं आते। इन सड़कों पर एक्सपर्ट ड्राइवर भी गाड़ी चलाने से कतराते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के ऐसी 10 सड़कों के बारे में जिन पर ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग स्किल के साथ साथ अच्छी किस्मत भी होनी चाहिए। नंबर 1 पे है जोजिला पास दर्रा। भारत की सबसे खतरनाक सड़कों में से ये एक है। पलक झपकते ही बंदा 3538 मीटर की ऊंचाई से सीधा नीचे खाई में जा गिरेगा। ये सड़क श्रीनगर से लह जाते हुए रास्ते पर पड़ती है और ये दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। ये काफी मुश्किल जगह पर है, जहाँ पर टेम्परेचर 0 से -45 के नीचे तक चला जाता है। आम दिनों में यहाँ की सड़कें मिट्टी से भरी रहती हैं और बर्फबारी की वजह से ये सड़कें और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। नंबर 2, किश्तवर कैलाश रोड। ये सड़क नेशनल हाईवे 244 का हिस्सा है, जो चिनाब नदी के साथ चलती है। इस बेहद खतरनाक रास्ते के बारे में एथलीट मिक फ्लावर ने अपने क्लिंबिंग पार्टनर पाल्स रैमडम्स के साथ अपनी यात्रा के बारे में बताया था। वो यहाँ पर 2013 में आए थे। इसके बारे में उन्होंने बताया था कि अगर आप इस सड़क पर जल्दबाजी करते हैं तो फिर आपकी जान का मालिक भगवान ही है। नंबर 3, कोली हिल्स रोड। तमिलनाडु के नमकम जिले में ये रोड है, जो कोली हिल्स का एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ मौजूदा हर एक पहाड़ी सड़क कितनी ज्यादा खौफनाक है, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर आप लगा सकते हैं। इस रास्ते पर लगभग 70 हेयरपिन मोड़ हैं, जिनके वजह से बाइकर्स के बीच बहुत फेमस है। कोली हिल्स के नाम का मतलब मौत का पहाड़ है। इस पर मौजूदा खराब पैच और पार्ट सोल राइडिंग को काफी स्ट्रेसफुल बनाते हैं। वैसे तो ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपकी जरा सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। नंबर 4 पे है 3 लेवर जिगजैग रोड। सिक्किम में मौजूद ये रोड काफी घुमावदार है, जो इसे काफी खतरनाक बनाती है। ये सड़क समुद्र से 11,200 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरती है। इस रोड पर चलते हुए आपको बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ की खूबसूरती देखते हुए अपनी निगाहें सड़क पर टिकाना बेहद जरूरी है, वरना आप कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। नंबर 5, लेह मनाली हाईवे। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से जोड़ने वाले इस हाईवे को रोहतांग पास के नाम से भी जाना जाता है। इस सड़क पर चलते हुए आपको धैर्य की बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि इस सड़क पर हमेशा ही जाम लगा रहता है और आप कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। बर्फबारी के मौसम में तो इस रोड पर दुर्घटना होना आम बात है। इस हाईवे के दोनों तरफ पहाड़ है और बर्फबारी के बाद इस सड़क पर यात्रा करना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। नंबर 6, माथेरन नेरल रोड। ये सड़क माथेरन और नेरल को जोड़ती है। एक सांप के आकार की दिखने वाली सड़क पर ड्राइविंग करते हुए कलेजा मुंह में आ जाता है। वैसे तो ये सड़क मक्खन की तरह स्मूथ है, लेकिन इतनी संकरी है कि आप गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ा सकते। पहाड़ियों से गिरी माथेरन रोड अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस है। यहाँ के घने जंगलों में तेंदुए, हिरन, मालाबार, जायंट्स गिलहरी, जंगली सुअर और लंगारू जैसे जानवर पाए जाते हैं। नंबर 7, नथुला पास। नथुला पास भारत के सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटियों को जोड़ता है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड माना जाता है। ये भारत और चीन के बीच 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्टर में से एक है। इस सड़क पर ड्राइविंग करना काफी खतरनाक साबित होता है। ये पास प्राचीन सिल्क रूट की एक शाखा का हिस्सा है। नंबर 8, किन्नौर कल्पा रोड। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को कल्पा से जोड़ने वाले इस हाईवे को आप नरक का हाईवे भी कह सकते हैं। ये सड़क पहाड़ों को काटकर बनाई गई है और इस पर चलते हुए खाई और खतरनाक सुरंगें मिलना आम बात है। ये भारत को तिब्बत से जोड़ने वाली सड़क NH5 का हिस्सा है। इस सड़क से होकर ही सेना अपना सारा सामान चाइना के बॉर्डर तक ले जाती है। नंबर 9, खारदुंगला पास। खतरनाक मोड़ों वाली सड़क पर आर्मी की कड़ी निगरानी रहती है। यहाँ गाड़ी चलाते हुए अच्छे अच्छे ड्राइवर के पसीने छूट जाते हैं। खारदुंगला पास में आप नुब्रा वैली से एंट्री करते हैं। ये सड़क अक्टूबर से मई तक बंद रहती है और ये भी दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल्स रोड में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 18,379 फीट की है। नंबर 10, चांगला पास। चांगला पास लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। इस सड़क से गुजरते हुए ड्राइवर को अक्सर दिक्कतें आती रहती हैं। चांगला पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। अगर आप यहाँ पर जा रहे हो तो मेडिकल किट और गर्म कपड़े लेकर जरूर जाएं, क्योंकि चांगला के मौसम का कोई ठिकाना नहीं। और मौसम के अलावा इस रोड की ऊंचाई भी इसे खतरनाक बनाती है। और इस रोड की ऊंचाई लगभग 17,585 फीट है। और ये थे भारत के 10 सबसे खतरनाक रास्ते, जहाँ पर जाने से पहले हर कोई एक बार जरूर सोचता है। दोस्तों, आपको इसमें से सबसे खतरनाक रोड कौन सी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आज के फैक्ट को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।